धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने जून 2012 में जुहू के इस्कॉन मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी के साथ शादी की थी। इस समारोह में केवल परिवार और दोस्तों को शामिल किया गया था, लेकिन कुछ साल बाद ईशा फिर से गठबंधन करने वाली है, वो भी अपने ही पति के साथ। यह किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि असल में होने वाला है। सभी जानते हैं कि ईशा माँ बनने वाली है, इसी के चलते उनके पति भरत जो कि सिंधी हैं, उनके रीति रिवाज के अनुसार यह कार्यक्रम करने वाले हैं। ईशा और भरत एक बार फिर फेरे लेंगे, लेकिन इस बार 7 के बजाय 3 फेरे लिए जाएंगे। 24 अगस्त को गोद भराई के कार्यक्रम में पति पत्नी 3 फेरे लेंगे। खबर यह भी है कि उनकी शादी की तरह ही ईशा और उनके पति की ड्रेसेस भी फिर से नीता लुल्ला द्वारा डिजाइन की जाएगी, जो कि ईशा की पुरानी दोस्त है। ईशा और भरत की शादी तमिल रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन गोद भराई अब एक सिंधी पंडित द्वारा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा पंडित जी बच्चे की भलाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद परिवार के सदस्य ईशा के सिर पर तेल लगाएंगे। इसके बाद उन्हें आशीर्वाद और उपहार दिए जाएंगे।